हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई एक ऐसी कंपनी जिसने अच्छी वेल्थ नीचे के लेवल से क्रिएट करके दी थी, बट अब ऊपर के लेवल से काफ़ी स्टॉक फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और एक छोटा शेयर है, पेनी स्टॉक है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, टेक्निकल्स कैसे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक ऐसा लेवल इसने ब्रेक किया है जिसके ऊपर थोड़ा सा रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है नियर टर्म के लिए, बट न्यूज अगर अच्छी आती है तो ये स्टॉक अगेन अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दिखा सकता है। अगर होल्डिंग पीरियड आपका अच्छा है तो आप इसके अंदर पैसा लगाना कंसिडर कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बजाय अगर इसे इन्वेस्टमेंट किया जाए और टर्न अराउंड थ्योरी अगर इसकी होती है तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके आने वाले टाइम में दे सकता है। बात कर रहे हैं हम टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की, और जिसे TTML के नाम से भी जाना जाता है। तो TTML यहाँ जरूर 3:30 का जो 26 मार्च का है सेशन दिखाया गया 13:10, बट इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो आप देख सकते हैं 12:85 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। जैसे मैंने बताया नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके इसने दी है, तो आप देख सकते हैं 52 वीक लो 1:80 का है। अभी भी ये शेयर जो है 7 गुना के आसपास अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है, 6 से 7 गुना के आसपास। बट अगर आप 52 वीक हाई का आसपास देखेंगे तो 10 से 11 गुना के आसपास इसने वेल्थ क्रिएट करके दी थी। तो ऊपर के लेवल से अच्छी खासी करेक्शन भी आप देख सकते हैं, 52 वीक हाई से 22:80 का जो इसने लेवल बनाया था वहां से स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट कर चुका है। अब कितनी इसके अंदर करेक्शन बचती है, किस लेवल के ऊपर इसे लेना चाहिए और कैसे रिवार्ड्स आने वाले टाइम में दे सकता है, जैसे इसने पहले दिए क्या वैसे ही रिवार्ड्स बनते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं 12:85 के ऊपर ये बंद हुआ, जो डे रेंज थी 12:60 और 13:70 के आसपास की थी और बंद हुआ है 12:85 के आसपास। अगर 52 वीक रेंज देखेंगे 1:80 की और 22:80 के आसपास की 52 वीक रेंज है। अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो 20 दिन के जो एवरेज वॉल्यूम है 23,23,768 के आसपास जो रहते थे वो अब जो है 16,31,731 के आसपास नजर आ रहे हैं। बीटा जो है 0.22 के आसपास का इसका बीटा नजर आता है। अगर आप देखें, अगर पिछले 5 दिन से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक है हाई जो इसने 14:25 से नीचे ही फिसलता हुआ नजर आ रहा है, और एक जो लेवल था उसने ब्रेक किया जिसको हम चार्ट के ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे और टेक्निकल्स क्या कहते हैं उसके ऊपर भी हम अब डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं वो ये कब दे सकता है उस पर भी हम बात करते हैं। 1 मंथ का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 15:85 के आसपास था, वहां से स्टॉक 12:85 के आसपास, और 6 मंथ का देखेंगे तो 3 रुपए से स्टॉक अभी भी 4 गुना से ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जो रिजल्ट्स हैं, जैसे अगर इसका देखें पिछले साल जो इसने रिजल्ट्स दिए थे ऑडिटेड रिजल्ट्स आप देख सकते हैं 2 जून के आसपास इसने दिए थे, तो अभी हम मार्च में हैं, अप्रैल मई पूरा हमारे पास है और ये रिजल्ट सेशन जो है और 10-12 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, जो क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे और ईयर एंड के भी रिजल्ट्स पूरे फुल ऑडिटेड रिजल्ट आएंगे। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं जो इन्होंने पिछले साल दिए थे 2 जून के आसपास दिए थे, तो अभी इसके अंदर टाइम जरूर नजर आता है। इसके बाद अगर हम देखें जो डिलीवरी परसेंटेज है, आप एक चीज के ऊपर देखेंगे ध्यान देंगे कि जो स्टॉक है यहाँ से देखिए 4 फरवरी के आसपास से यहाँ पर 2 दिन ऊपर के सर्किट इसने जरूर लगाए, उसके बाद अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन से नीचे के सर्किट इसने लगाए, उसके बाद स्टॉक निकलता है 3 दिन ऊपर के जो है ग्रीन में इसने दिखाया। तो पहले भी हमने बताया था 3 दिन ये स्टॉक जो है ऊपर के लेवल दिखाता है, अगर फोर्थ डे भी अगर ये ऊपर के लेवल दिखाता है तब इसके अंदर कुछ एंट्री बनती है, अदरवाइज एक ट्रैप बनता हुआ इसके अंदर नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 दिन ऊपर दिखाया था और उसके बाद फिर 5-6 दिन इसने नीचे के लेवल दिखाए, 6 दिन 3 दिन ऊपर गया है। अगेन जो स्टॉक देखेंगे 1, 2, 3, 4 दिन जो है डाउन साइड दिखाया, फिर इसने 2 दिन ऊपर का लेवल दिखाया और सबको लगा कि शायद ये फिर ऊपर जाने के लिए तैयार है, बट वहां से फिर अगेन जो है 15:70 के आसपास ये स्टॉक आया था और वहां से स्टॉक देखेंगे तो 3 दिन फिर नीचे के लेवल दिखाए, 1 दिन ऊपर का सर्किट लगाया, नेक्स्ट डे ही फिर नीचे जाना स्टार्ट हुआ, फिर 1 दिन ऊपर का कंसोलिडेट किया थोड़ा सा और यहाँ पर फिर देखेंगे 2 दिन नीचे, यहाँ पर देखिए 3 दिन फिर इसने पूरी उम्मीद जगाई, 13:80 से स्टॉक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 15:90 तक चला गया था, 2:10 ऊपर गया और काफी अच्छा इसने मोमेंटम पकड़ा था, सबको लगा शायद ये स्टॉक फिर चलना स्टार्ट होगा, तो 4th दिन अगेन डाउन जाना स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 दिन में स्टॉक जो है जो पहले के लेवल थे उसके ऊपर ही आता हुआ नजर आया 13:80 के आसपास, अगेन स्टॉक 1 दिन ही ऊपर गया और फिर 3 दिन से लगातार नीचे है।
तो अब डाउनसाइड जो इसकी बनती है, अगर आप इसे ध्यान से देखें यहाँ पर, तो पहले भी हमने बताया था कि 13 रुपये 30 पैसे का जो लेवल है, आप देखेंगे यहाँ पर 13 रुपये 30 पैसे के लेवल पे इसने लो बनाया था, और वहीं से इसने क्लोजिंग जो थी 14 रुपये 60 पैसे के आसपास दी थी, और एक कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक जो है अगेन 16 रुपये 60 पैसे का हाई इसने बनाया, अगेन स्टॉक जो नीचे आया 13 रुपये 10 पैसे का इसने लो बनाया, पर क्लोजिंग जो है 14 रुपये 5 पैसे पे हुई। इस कैंडल पे भी ये वनडे का चार्ट आप देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो क्लोजिंग थी 13 रुपये 30 पैसे पे ये स्टॉक जरूर आता था, बट वहां से बाउंस बैक करके ऊपर ही बंद होता था। अगेन यहाँ पर स्टॉक 13 रुपये 10 पैसे तक आया, बट क्लोजिंग जो है 14 रुपये से ऊपर हुई। बट यहाँ पर जो स्टॉक ने आप देखेंगे पिछले सेशन में 13 रुपये तक आया और 13 रुपये 30 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी, तो लास्ट सेशन जो था 26 मार्च का, वहां पर जो स्टॉक है 13 रुपये 30 पैसे को इसने ब्रेक किया, ब्रेक ही नहीं किया बल्कि क्लोजिंग भी 13 रुपये 30 पैसे के नीचे दिया। आप देख सकते हैं 12 रुपये 65 पैसे का लो बनाया और 12 रुपये 85 पैसे पे इसकी क्लोजिंग आई है, यानी 13 रुपये 30 पैसे से नीचे बंद हुआ है। अब 13 रुपये 30 पैसे इसका जो है एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसके ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट करना, इसके लिए निकलना थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है, और अगर ये इससे ऊपर बाउंस बैक करता है तो काफी अच्छी चीज है। अगर एक या दो सेशन इससे नीचे निकालता है 13 रुपये 30 पैसे से, तो ये स्टॉक जो है थोड़ा सा और वीक होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जरूर आपको नजर रखने की है, जो कि लेवल बनता है 13 रुपये 30 पैसे का। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, हम फंडामेंटल अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फंडामेंटल जो है इसके अभी कुछ भी चेंज वैसा नहीं हुआ है। जो न्यूज थी सुपर ऐप की, जिसके थ्रू ये स्टॉक काफी ऊपर आया था, उसके अंदर डिले होता हुआ नजर आ रहा है। पहले वो जो सुपर ऐप थी दिसंबर में लॉन्च होनी थी, उसके बाद उसे डिले किया गया 3 मार्च के लिए, जो फाउंडेशन डे था टाटा ग्रुप का, वहां पर सीसीआई की अप्रूवल नहीं आई, जो इन्होंने बिग बास्केट को एक्वायर किया था, एनसीएलटी के अप्रूवल्स नहीं आई थी, जिसकी वजह से और डिले होता हुआ नजर आया। अब जब भी वो अप्रूवल्स आएंगी उसके बाद ही इसका इंटीग्रेशन वगैरह जो है बाकी कंपनीज के साथ होगा। सुपर ऐप काफी बड़ी ऐप है, जिसका जितना भी टेक्निकल काम है, टेक्निकल इंटरप्राइजेज हैं, वो सारा का सारा टाटा टेली सर्विसेज को मिलेगा, और यहाँ से जो स्टॉक है काफी अच्छा चलता हुआ नजर आ सकता है। बट अब शॉर्ट टर्म में जो है हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेक्निकल की, किस पॉइंट के ऊपर लेना चाहिए। फंडामेंटल्स इसके चेंज होंगे क्योंकि अभी जो है सिर्फ टाटा का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, बाकी आप देखेंगे फंडामेंटल के अंदर कुछ भी आपको अच्छा नजर नहीं आएगा। 2512 करोड़ की एक छोटी कंपनी है ये, डेट एक मेजर कंसर्न है, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया। आरओसीई हम देखते हैं किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करते हुए, पैसा लगाते हुए, तो वो भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, आरओई दिखाई नहीं देगी, आपको जो डेट है काफी मेजर दिखाई देगा। इसके बाद आपको दिखाई देगा कि बुक वैल्यू जो है -91.9 के आसपास की है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे, जब बुक वैल्यू माइनस में है तो ये भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी, ईपीएस माइनस में है इसलिए पी भी आपको नजर नहीं आएगी। तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको दो चीजें एक अच्छी नजर आएंगी, एक टाटा का नाम इसके पीछे है कि ये जो टाटा ग्रुप है इसको रिवाइव कर सकते हैं, और सेकंड जो है कोई भी शेयर इसके अंदर प्लज नहीं है, और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपको अच्छा खासा नजर आएगा कि 74.36% के आसपास टाटा के पास इसका स्टेक है। इसके बाद फंडामेंटल धीरे धीरे अब इसके इंप्रूव होंगे, जैसे जैसे सुपर ऐप लॉन्च होगी, या फिर जो 31 मार्च तक की जो डेडलाइन थी, जो एजीआर इनको पे करने थे, या सुप्रीम कोर्ट से आने वाले टाइम में जो एजीआर के ऊपर सुनवाई हो सकती है, जो अर्जेंट हो गई थी रिसेंट में, वो आने वाले टाइम में कैसे इसको कुछ रिलीफ मिलता है वहां से, या फिर कुछ भी अच्छी न्यूज निकल कर आती है, तो शेयर फिर चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि न्यूज के बेस पे ही ये स्टॉक अभी चला था। फंडामेंटल अभी ऑन ग्राउंड कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं, रिजल्ट्स अभी काफी डिले हैं, आसपास रिजल्ट्स नहीं है। इसके बाद आप न्यूज देखेंगे, ये न्यूज 23 मार्च के आसपास की है, टाटा ग्रुप प्लान स्टेक सेल इन टाटा कैपिटल अदर फाइनेंशियल सर्विस यूनिट्स। तो अभी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया गया है, और कितना स्टेक सेल करते हैं और कैसे कैसे उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, तो ये सब कुछ देखना होगा कि उसका जो है, जो इनकी फर्म्स हैं सभी के ऊपर ही जो डेट है काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, और सभी के, चाहे टाटा टेली सर्विसेज हो, सभी का जो है जो डेट है काफ़ी हाई है, और मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है कि उसको ये काफ़ी कम करने वाले हैं आने वाले 1 से 2 सालों में। तो उसके अंदर टाटा टेली सर्विसेज अगर स्टेक सेल करते हैं, पैसे को यूटिलाइज करते हैं, वो सुपर ऐप के लिए भी हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपर ऐप के लिए भी वो पैसा यूटिलाइज किया जा सकता है, जो सुपर ऐप लॉन्च कर रहे हैं, और सेकेंडली टाटा टेली सर्विसेज को जो रिवाइव करने का प्लान है इनका, वहां पर भी कुछ डेट हो सकता है रिड्यूस होते हुए नजर आए। तो ये न्यूज किस टाइप से है, अभी सिर्फ इनिशियल स्टेजेज में है, ये देख सकते हैं, जो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग टॉक्स विद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू सेल स्टेक इन सम ऑफ इट्स फाइनेंशियल यूनिट्स। तो आने वाले टाइम में पैसा कैसे यूटिलाइज होगा वो देखने वाली बात होगी। टाटा सन्स मूव टू सेल स्टेक इन सम ऑफ इट्स फाइनेंशियल यूनिट्स इन बायडर इंडस्ट्री फ्रॉम नाउ।
तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी ये न्यूज हो सकती है, अगर पैसे को ठीक से यूटिलाइज कर सकते हैं तो काफी अच्छा हो सकता है। अगर हम टेक्निकल ग्राउंड पे भी बात करें तो टाटा टेली सर्विसेज का मूविंग एवरेज जो है 9 अभी भी बाय की साइड है और एक न्यूट्रल और एक सेल की साइड है, और इसे स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। कुछ डाउनसाइड नियर टर्म में जरूर बनता है, बाय ऑन डिप की पॉलिसी रहेगी। ओसिलेटर्स जो है 8 न्यूट्रल, एक बाय और 2 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको बाय किया जा सकता है। अगर हम इनको सबको मिलाएं तो आप देखेंगे 22 ये इंडिकेटर्स बनते हैं। इसके अंदर बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, 9 न्यूट्रल, 10 बाय और 3 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। कोई भी डिप इसके अंदर बाय का इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इसके अंदर रिट्रेसमेंट लेवल लगाते हैं तो आप देखेंगे रिट्रेसमेंट लेवल जो है इस टाइप से आपको नजर आएगा, जो मैंने पहले भी बताया था 13 रुपये 30 पैसे का जो लेवल है काफी मेन है, जो 61.8 जो गोल्डन लाइन बोली जाती है उसके आसपास ये स्टॉक था जो पहले था। अब देख सकते हैं 61.8 की ये लाइन है, यहीं से स्टॉक जो है बाउंस बैक करता था। अब जो है इसने 61.8 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है, 13 रुपये 30 पैसे नीचे क्लोजिंग दी है, तो थोड़ा सा वीकनेस इसके अंदर बनती हुई नजर आ सकती है। बट न्यूज के ऊपर आप ध्यान रखिए, कोई भी न्यूज इसको अगेन ऊपर की तरफ ले जा सकती है और ये पहले का जो रिसेंट का लेवल है इसको भी ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से स्टॉक जो है इजीली डबल के रिटर्न्स आपको दे सकता है, बट आपको न्यूज के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई भी एजीआर से न्यूज अच्छी रिलेटेड आती है, कोई रिजल्ट से अच्छी न्यूज आती है, या सुपर ऐप से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज आती है तो बाय ऑन डिप की पॉलिसी रखिए। 13 रुपये 30 पैसे से ऊपर क्लोजिंग आती है तो अगेन ये मोमेंटम अच्छा पकड़ सकता है, बट 13 रुपये 30 पैसे के नीचे अगर कंसोलिडेट करता है, 3 से 4 सेशन नीचे निकालता है तो वीकनेस इसके अंदर बनती हुई नजर आएगी, जो कि इसको 12 रुपये से भी नीचे जो 11 रुपये 80 पैसे या 11 रुपये 60 पैसे तक भी ले जा सकती है। तो उस लेवल के ऊपर नजर रखना होगा, वहां पर अकोमोडेट कर सकते हैं। कोई भी अच्छी न्यूज इसको अगेन इस लेवल तक ले जा सकती है, जो कि डबल के रिटर्न्स यहां पर भी दे सकता है अगर ये इस लेवल को भी अपना टच करता है, जो कि आने वाले क्वार्टर में बिल्कुल टच करेगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, लो साइड कम बनती है और रिवार्ड्स अच्छे दे सकता है। अगर 2-3 क्वार्टर भी इसे होल्ड रखते हैं तो डबल के रिटर्न्स इजीली ये निकाल के दे सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।